Hello everybody, how are you all? Most welcome to yet another class of Class Apart. Well, बच्चों, I'm sure आप लोग ये जो experience है आपको जो मिल रहा है from Class Apart, it's actually Class Apart. I'm sure it's standing true to its words, and I'm sure this channel is really helping you all to kind of revise whatever you have done in your school. तो well, bachcho, most welcome to your English educator session. And before you go ahead, मैं जल्दी से बता देती हूँ बच्चों that अगर आप लोगों को अपने school exams को ace करना है, जीतना है, तो you need to buy the Unacademy key plus subscription or iconic subscription, and don't forget to use my code SOS10 before you go ahead and buy your subscription. तो बच्चों, here it is, introducing myself, जो कि हमेशा होता है, मैं हर क्लास स्टार्ट करने से पहले खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ. जरूरी तो है भाई बताना कि मैं कौन हूँ, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा. सो ऑफ कोर्स बच्चों, आई एम सोनम सूदन, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड आई कम हियर टू टीच यू क्लास 7th की CBSE क्लास 7th की इंग्लिश, ठीक है जी. सो हम अभी फिलहाल कर रहे हैं हनीकूम, जो आपकी बुक है CBSE NCERT की हनीकूम. हम लोग अभी वो कर रहे हैं. दिस टुडे दैट वी आर गोना कवर इज द 4th चैप्टर ऑफ दिस बुक, व्हिच इज द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, ठीक है जी. सो लेट अस गो अहेड एंड लेट्स सी कि ये क्या स्टोरी है. वेल, बिफोर ऑफ कोर्स वी गो अहेड, मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्विक इंट्रो दे देती हूँ इस स्टोरी के बारे में. वेल, दिस स्टोरी इज, यू नो, अगर मुझे एक लाइन में, इफ आई जस्ट हैव टू पुट इट फॉरवर्ड इन वन लाइन, तो इट वुड बी रादर दैट गुड डीड्स नो मैटर व्हाट विल यील्ड गुड रिजल्ट्स, दैट्स ऑल. सो यही है बात. अगर आपकी इंटेंशंस, अगर आपकी कोई भी काम करने के पीछे अगर आपकी इंटेंशन अच्छी हो, तो नो मैटर व्हाट सिचुएशन यू, इट विल यील्ड यू फ्रूट, दैट्स ऑल. It will yield you good results. That's all. यही है ये story का moral. और cute सी story है, Japan के एक छोटे से गाँव के around center है. So उस time का की story है जब वहाँ पे landlords हुआ करते थे, demios, they used to be the landlords. तो उनमें से एक you know couple की story है. So yes, that's what it is about. So let's go ahead without any further ado. Let us go ahead and let's देखते हैं कि भाई क्या है story में, what is there in the store for us. So let's go ahead. But before we go ahead, बच्चों, let me tell you about Unacademy Class 6 का जो Telegram का link है, channel है. वैसे आप लोग मुझे Unacademy Class 6 पर भी already देखते हो, तो अगर आप लोगों ने Unacademy Class 6 का Telegram channel join नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए. इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड ऑफ कोर्स बच्चों, वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट दैट अनअकैडमी हैज ब्रॉट फॉर यू ऑल, एंड आई एम सपोज टू गिव इट टू यू, दैट इज बग्स बाउंटी. तो बच्चों, बग्स बाउंटी क्या है? अगर आपको किसी भी एजुकेटर का कॉन्टेंट इन अप्रोप्रिएट लगता है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो ऑफ कोर्स अगेन, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. देन इज आस्क अ डाउट, बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है आप सबके लिए. ये एक ऐसा फीचर है दैट इज ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जहां पर आप पूछ सकते हैं अनलिमिटेड डाउट्स एनी टाइम थ्रू आउट द डे, ठीक है जी. तो आपको जवाब में क्या मिलेगा? आपको मिलेगा हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इन इंग्लिश एंड हिंदी, और आपको जो है यू विल रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर योर क्वेश्चन. देन बच्चों, जो आपको सोल्यूशन मिलेंगे ना, वो इंस्टेंटली मिलेंगे, मतलब जैसे ही आप पूछोगे वैसे ही कुछ ही टाइम में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, और वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होगा. देन यू विल गेट असिस्टेंस टू योर होमवर्क, एंड यू कैन आस्क इट आउट एनी टाइम थ्रू द डे. तो आपको बच्चों मैं बता दूं ये यूज कैसे करना है. तो बहुत ही सिंपल है, गो टू द अनअकैडमी ऐप, ठीक है. चाहे आपके पास सब्सक्रिप्शन है या नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये. आप अनअकैडमी ऐप पर जाइए, आस्क डाउट पर क्लिक करिए. क्लिक करने के बाद में आप अपने डाउट की एक पिक्चर खींचिए. पिक्चर खींचने के बाद में आप उस पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं. क्रॉप करने से, वेल, ऑफकोर्स आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट. तो क्रॉप कर लीजिए अपने क्वेश्चन को. क्रॉप करने के बाद में आप सब्जेक्ट मैच कर लीजिए कि वो क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है, एंड देन सेंड इट अक्रॉस, एंड विद इन नो टाइम यू विल गेट एन आंसर. चलो, the ashes that made trees bloom, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्यूट सी स्टोरी है. मॉरल मैंने आपको बता दिया है कि इस स्टोरी से अल्टीमेटली आपको क्या पता चलेगा, कि कोई भी काम जब अच्छे डीड्स के साथ, मतलब अच्छी इंटेंशन से किया जाए ना,
इट विल यील्ड यू गुड रिजल्ट्स. मतलब जैसे आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी कि हमारे इंडियन माइथोलॉजी में वो स्टोरी है, बहुत ही कॉमन है, जिसके अंदर ये कहा जाता है, हिंदू माइथोलॉजी सॉरी, कि ये कहा जाता है कि जो मीरा थी तो वो लॉर्ड कृष्णा की बहुत ज़्यादा एक डेडिकेटेड डेवोटी थी. सो शी वॉज अ वेरी वेरी काइंड ऑफ एन आर्डेंट डेवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी कि वो लॉर्ड कृष्णा से बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली उनका जो लव था फॉर लॉर्ड कृष्णा वॉज वेरी वेरी प्योर, वेरी वेरी डेडिकेटेड. तो उन्होंने जब किसी ने उनको जहर पिला दिया था ये कहकर कि ये लॉर्ड कृष्णा ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, एंड दैट ऑल्सो टर्न आउट टू बी अमृत फॉर हर. So yes, that is exactly because unki intention sahi thi, because there was so much faith, there were so many good intentions behind it, that ultimately it that you know something which was supposed to kill her also ended up being a medicine for her. So wahi hai ji, ye aapka usi tarike ki kuch hi story hai, the ashes that made trees bloom. Aapne suna hi hoga ashes kahan trees ko bloom karti hain, ashes is rock, wo kahan tree ko bloom kar sakti hai. Matlab for a tree to bloom it needs good manure, it needs good nutrition, but ashes which is like the least which would actually never help a tree bloom also helped a tree bloom, and how did that happen, yahi ye story hai isi cheez ke bare mein. So bachcho, let's go ahead. I so wish ki aap log sab mere saath mein hote to mujhe maza aata, but chalo aap log nahi ho, no problem, that's okay, that's fine, but still let's go ahead. Okay, chalo. In good old days of the demios, theek hai, maine aapko bata diya demios ko the, they used to be the landlords in Japan. There lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. तो क्यों एक बहुत ही मतलब डेमियोज का जमाना था जब डेमियोज रूल करते थे, ठीक है. तो उस टाइम में क्या था कि एक बूढ़ा सा ओल्ड सा कपल रहता था जापान में. उस कपल के कोई बच्चे नहीं थे, सो दे हैड अ पेट डॉग, और वो उस पेट डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एज इफ वो उन्हीं का अपना बच्चा है, ठीक है. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन, द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू ड्रेप, एंड एट मील टाइम मूको फॉर दैट वॉट इट्स नेम वुड सिट ऑन इट एंड स्नग एज एनी कैट. तो वहाँ पे जो मतलब जो वो ओल्ड बंदा था वो क्या, उन्होंने एक कुशन बना के दिया हुआ था क्रेप का. क्रेप क्या होता है, इट्स अ मटीरियल, मतलब एक सॉफ्ट सा मटीरियल होता है, उसका एक कुशन बना के ब्लू कलर का क्रेप का मटीरियल का कुशन बना कर दिया था मूको को. मूको इज द नेम ऑफ द डॉग, एंड द डॉग वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. सो स्नग मतलब ऐसे मतलब ऐसे लपेट के और ऐसे बड़े प्यार से इसे कडल करके जो कुत्ता था वो उसके ऊपर बैठ जाता था, जैसे कैट्स यूजुअली कडलन से, तो वैसे ही उतने ही प्यार से वो जो डॉग था दैट यूज टू सिट ऑन दैट कुशन. तो यू नो यू ऑल नो दैट डॉग्स रिस्पॉन्ड टू लव, सो सिमिलरली मूको यूज टू रिस्पॉन्ड टू दिस ओल्ड मैनस लव. चलो, द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिटबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वॉन्टेड. तो ये जो बूढ़े पति पत्नी थे ये उस डॉग को जो है फिश के टिटबिट्स, छोटे छोटे टिटबिट्स नहीं, छोटे छोटे पीसेस दे देते थे, उसको फीड कर देते थे, या अगर उसको कोई भी राइस खाना होता था ज़रा भी तो उसको राइस भी फीड कर देते थे. दस ट्रीटेड द डम्ब क्रीचर, दस ट्रीटेड द डम्ब क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बींग विद अ सोल. यानी कि वो जो जिस बिकॉज उस डॉग को मूको को इतना प्यारा ट्रीटमेंट मिलता था, तो जो मूको था उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मतलब मूको इज टू लव देम लाइक एनी थिंग, ठीक है. तो वो अपने प्रोटेक्टर्स, बिकॉज दे वर द प्रोटेक्टर्स, मूको को प्रोटेक्ट करते थे, तो वो अपने प्रोटेक्टर्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उतना ही प्यार करता था लाइक बींग विद अ सोल. यानी कि जितना एक आप एक यू नो अ ह्यूमन और अ चाइल्ड वुड लव इट्स पेरेंट्स, सिमिलरली अ चाइल्ड वुड लव हिज हर पेरेंट्स, सिमिलरली मूको यूज टू लव दैट ओल्ड मैन एंड ओल्ड लेडी, बिकॉज वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है जी. क्लियर हो गया. तो अभी तक हमें ये पता है कि एक देर इज़ वन ओल्ड मैन एंड एंड ओल्ड लेडी, दे डोंट हैव एनी child, they just have a pet dog whose name is Mooko, and they love Mooko a lot, they treat Mooko just like their own kid, and Mooko also loves them, Mooko also responds to the love.
चलो, द ओल्ड मैन बीइंग अराइज, मतलब ओल्ड मैन का प्रोफेशन क्या है ये हमको यहाँ पर पता चल गया है कि ये जो ओल्ड मैन है, दिस ओल्ड मैन इज अ राइस फार्मर, ठीक है. वेंट डेली विद हो और स्पेड इन टू द फील्ड. तो हो और स्पेड क्या होते हैं, इनके जो जिसको आप बोलते हैं ना बेलचा, गेंती, मतलब ऑल दीज स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि बेसिकली फार्मर्स को यूज करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू वर्क इन द फील्ड्स. तो वो अपने हो और स्पेड के साथ में फील्ड में जाता था, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो समा. ओ टेंटो समा इन जापानीज मीन्स टिल द एज द सन इज कॉल्ड. तो यू नो सन को बोला जाता है ओ टेंटो समा. हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. तो जब सुबह से लेकर शाम तक ये जो बूढ़ा इंसान था ये फील्ड्स में जाकर काम करता था. एंड वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी सिंसेयर, वेरी वेरी स्वीट ओल्ड मैन. तो ही यूज टू गो देयर विद हिज हो एंड स्पेड एंड यूज टू वर्क देयर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. So of course, heron kya hota hai? Heron is a white bird, aise crane jaisa hota hai jo usually aapne dekhe honge. White color ke hote hain. They have a long neck, an orangish beak. They have long legs, and they usually aap unko dekhoge udte udte. They usually sit in the farms and they eat these small small worms. ठीक है, तो जो ये white heron था ये भी आता था वहाँ पे, लेकिन कभी भी मुको would never ever you know stop him from coming. या उसको कभी disturb ना ही इस old man को कभी disturb करता था. Never he would disturb anybody. He was just go there, sit there besides his you know his protector and just be there with him, give him company and come back. The old fellow was patient and kind to everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. So often turned up a sword. So sword kya hota hai? Patch of grass. ठीक है, तो कई बार ये क्या होता था कि उनको खाना देने के लिए वो आ जाता था. तो ओल्ड मैन यूज टू गो एंड गिव फूड टू मुको एंड कोई भी, मतलब जो भी लिविंग बींग आगे पीछे होता था, तो ओल्ड मैन वुड गो एंड गिव दैम फूड. चलिए, अब एक दिन क्या हुआ, वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग हिम विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड. तो कई बार ऐसा होता है ना हमारे घर में, जब कुत्ते होते हैं हमको खींच कर कहीं पर ले जा रहे होते हैं, समथिंग दे आर जस्ट ट्राइंग टू डायरेक्शन, हमें समझ नहीं आता व्हाट आर दे ट्राइंग टू पॉइंट एट. सो वैसा ही इनके साथ भी हुआ, दिस ओल्ड मैन. तो मुको आया, मुको अपने प्रोटेक्टर को खींच कर, इस ओल्ड मैन को खींच कर ले जा रहा है किसी एक स्पॉट की तरफ में, वो इशारा कर रहा है कि जस्ट गो देयर. ठीक है, द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. ऐसा ही होता है, सेम रिएक्शन जैसा हमारा भी होता है इनफैक्ट, है ना, कि पहले पहले तो लगता है अरे कुछ नहीं, ऐसे खेल रहा है, नथिंग सीरियस. सो बट देन बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रिटर्निंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स. वाइनिंग क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे जैसे वो रोते से है ना. सो डॉग्स विल मेक सम साउंड्स, दे वाइन, दे मेक सम साउंड्स. तो जो कुत्ता था वो पीछे पड़ा रहा कि वहाँ पे चलो. पहले तो ओल्ड मैन ने ध्यान नहीं दिया, बाद में ही पेड अटेंट, बाद में मतलब बट वो कुत्ता जो था वो आगे पीछे आता रहा जाता रहा. टू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे. ठीक है, सो वो बार बार इशारा करता रहा कि चलो. द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगैन अ लाइवली स्क्रैचिंग. तो फाइनली अब क्या हुआ कि ओल्ड मैन को लगा कि पता नहीं ये क्यों ऐसे बुला रहा है, लेट मी जस्ट गो एंड चेक. तो जब ओल्ड मैन वहाँ पर गया तो वहाँ पे जो डॉग था मुको ने वहाँ पे इसे उखाड़ना शुरू कर दिया, बाहर मतलब उसने ऐसे जमीन को खोदना शुरू कर दिया. थिंकिंग दैट इट वॉज पॉसिबली अ बरड बोन और अ बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम. तो पहले तो ओल्ड मैन को ये चीज़ लगा कि शायद नीचे कुछ कोई फिश है या कुछ तो है जो प्रॉबली ये खाना चाहता है, तभी इसने वहाँ पे ढूंढा है एंड दैट इज़ वाई ही इज़ प्रॉबली तभी इशारा कर रहा है. बट देन जब उसने देखा तो वहाँ पे अंदर से एक सोने का खजाना निकला. ओह माय गॉड, वाओ. अब बताओ आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है, ये याद है, अरे चलो मैं भी अपने कुत्ते को ना लेकर चलूँगा खेत में, शायद मेरे गार्डन में भी कुछ ना कुछ सोना निकल गया है, है ना, ये याद है ना. सो या दिस इज व्हाट हैपेंड, लेट्स सी आगे क्या होता है. सो या दिस इज, देखिए ये स्टोरी है, दिस इज द ओल्ड मैन हु इज वेरी वेरी काइंड हार्टेड, दिस इज मुको
ये इसका हो है जो ये अपने खेतों में लेकर जाता था. दीज आर दी फील्ड्स वेयर दिस मैन वर्क्स. एंड यहाँ पे जब मुंह को स्टार्टेड स्क्रैचिंग, फाइनली ये देखो नीचे से इतना सारा सोना निकला. आप भी लेकर जाना अपने डॉग को अपने गार्डन में, शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा. ओके चलिए अब क्या हुआ. दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वॉज मेड रिच. अब वो जो ओल्ड कपल है वो रिच हो गया. द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुल टू द पुअर नेबर्स एज दे पेटेड हिम. एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मॉदर हिम विद काइंडनेस. तो अब क्या हुआ, अब वो रिच हो गए, अमीर हो गए बहुत ज्यादा. जो बूढ़ा कपल था वो बहुत अमीर हो गया. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना घर बनाया, एक ज़मीन खरीदी, थोड़ा घर बनाया, अच्छे से रहने लगे, फ्रेंड्स को दावत दी, तो शेयर किया काफ़ी, बिकॉज दे वर वेरी वेरी काइंड. उन्हें शेयर किया प्लान जो अपने उनके बूढ़े ने उनके पुअर नेबर्स थे उनके साथ में शेयर किया. और जो मुको है उसको तो उन्होंने नियरली स्मॉदर, मीन्स यू ऑलमोस्ट लाइक टॉर्चर समबडी टू डेथ. सो तो उसको तो उन्होंने इतना ज़्यादा प्यार दिया कि उसको घुटन होने लगी. ठीक है अभी. Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever they passed their house. अब उसी अब होती है विलन की एंट्री. जैसे हर एक मूवी में होता है, देर इज अ हीरो, देर इज अ हीरोइन एंड देर इज अ विलन. तो वही सेम यहाँ पर हुई, अब हो गई है विलन की एंट्री. तो अब क्या हुआ, उसी विलेज में एक कपल रहता था जो बिल्कुल ऑपोजिट थे इस ओल्ड मैन के. तो जितना काइंड एंड यू नो वार्म हार्टेड ये ओल्ड मैन था, उतना ही ज़्यादा विकेड ये दूसरा कपल था. तो उनके घर के पास कोई भी कुत्ता आता था वो हमेशा उसको मार के भगा देते थे. जैसे ये वाला जो ओल्ड मैन और उसकी वाइफ थे, दिस काइंड ओल्ड मैन, ये तो सबको खाना वाना देते थे, बुलाते थे, प्यार से रखते थे. बट ये जो विकेड वाले थे, इन्होंने क्या करना, जो भी आए पास में उसको मार के भगा देना. Okay. Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden. Coaxed मतलब ऐसे प्यार से धोखे से बुलाना, उसको बोलते हैं coaxed. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुत्ते को ना ऐसे प्यार से धोखे से अपने गार्डन में बुलाया. ठीक है, उसको थोड़े थोड़े उसको थोड़े बहुत थोड़े बहुत फिश के पीसेस खिलाए एंड ठीक है एंड होपिंग यू कुड फाइंड सम ट्रेजर फॉर देम. तो उन्हें होप किया कि शायद वो कुछ ना कुछ उसके लिए ट्रेजर ज़रूर ढूंढेगा. वही चीज़ जो हमारे भी दिमाग में आई थी, अपने कुत्ते को लेकर जाता है गार्डन में, शायद कुछ ना कुछ ट्रेजर मिलेगा. तो उनने भी यही सोचा कि प्रॉब्ली वो मूको को लेकर जाएंगे तो उनको भी शायद वो कोई ट्रेजर ढूंढ के दे देगा. बट द डॉग बींग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नेवर would neither eat nor move. तो बट वो कुत्ता, because dogs sense emotions, तो उन्होंने क्या किया कि ना ही वो कभी उनसे कुछ खाता था, ना ही वो कहीं मतलब हिलता भी नहीं था अपनी जगह से, वो डरता था उनसे. Then they dragged him out of the doors taking a spade and Then they dragged him out of doors taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden and then he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. तो पहले उसको उन्हें अच्छे से कुत्ते को फीड किया, प्यार से खिलाया, हालांकि कुत्ता तो सेंस कर रहा था उनके इमोशंस. फिर उन्होंने क्या किया, अपने हो और एक्स को मतलब यानी कि वो गेंती बेलचा वेलचा जो भी ज़मीन में काम करने के लिए यूज़ होता है उसको उठाया ले गए और कुत्ते को मतलब ले गए साथ में कि शायद ये कहीं इशारा करे. तो जल्दी से अब कुत्ता का कुत्ता है, उसने भी क्या किया कि वो आराम से आगे पीछे ग्राउंड में उसने कोई जगह देखी, वहाँ पे वो स्क्रैच करने लगा. जैसे एग्जैक्टली अब इन इस कपल को लगा रहे, चलो भाई अपने भी जो है अच्छा दिन आ गया, अच्छा टाइम आ गया, अपना टाइम आ गया, अब हम भी अमीर होने वाले हैं, हमें भी सोना मिलने वाला है. अब देखते हैं नीचे से निकला क्या. क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो. तो हस्बैंड ने अपने वाइफ को बोला, जो क्रूअल हस्बैंड था उसने वाइफ को बोला, जल्दी जल्दी लाओ मेरे को वो काम करने वाला सामान दो. क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय. तो ग्रीडी यानी कि बहुत जो लालची ओल्ड बंदा था वो फटाफट मतलब एकदम खुश हो गया. तो उसने मतलब वो एकदम उसने बोला, जल्दी जल्दी से मुझे दो, मैं निकालूँ. Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. So covetous means somebody who is very very greedy. Covetous old fellow yani ki wo boodha aadmi and the old crone yani ki wo aurat, boodhi aurat. Dono ke dono dig karne lage zameen ko. But andar se unke nikla kya? Dead kitten. Theek hai, to andar se wo unko mila ek dead kitten, mara hua billi ka bachcha.
the smell of which made them ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस. अब कितनी स्मेल आ रही होगी उनको, तो उनको हमने अपने मतलब अपने सारे वेपन्स, जो अपने वेपन बोल रही हूँ, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स नीचे छोड़े. उनको इतना गुस्सा है, उन्होंने नाक कवर कर दिया. अब क्या हुआ, फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प होक. अब क्या हुआ भाई, अब इन दोनों को इतना गुस्सा आ गया, इन्हें बोला ये क्या बदतमीजी है भाई, उसको सोना निकाल कर दिया और हमको ये डेड किटन निकाल कर दिया. तो उन्हें क्या किया, उसको इतना मारा, कुत्ते को इतना मारा कि वो मर गया. और फाइनली जो लेडी है उसने कुत्ते को मतलब उसका सिर ही काट दिया. मतलब दे वर वेरी क्रूअल, यू नो, यू कैन इमेजिन डूइंग दैट, बट दे डिड इट. और फिर फाइनली उन्हें क्या किया कि फ्लंग दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर द क्रैक्स. क्रैक्स इज डेड बॉडी. तो उन्होंने क्या किया, खड्डा खोदा और उसको एक खड्डे के अंदर ही, उसी होल के अंदर उसको भी डाल दिया और ऊपर से धर मतलब मर्द जो थी उससे उसको कवर कर दिया. तो अभी तक ये स्टोरी. अब क्या हुआ, व्हाट वाज दिस डॉग्स नेम, आई फॉरगॉट, उसकी डेथ हो गई, उस कुत्ते के नाम की डेथ हो गई, कुत्ते की डेथ, कुत्ते के नाम की नहीं, कुत्ते की डेथ हो गई. व्हाट वाज हिज नेम, आई फॉरगॉट हिज नेम, मूको, मूको की डेथ हो गई. ठीक है, तो मूको को उन्होंने मार दिया. अब मूको बेचारा जो है वो मर गया. इमेजिन कितना बुरा लग रहा है, मुझे सुनकर ही बुरा लग रहा है, उनको तो कितना बुरा लगा होगा. द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री. ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर यूज्ड बिफोर टूम्स इन विच ही पुट फ्रेश. तो वहाँ पे ट्रेडिशन होगा जापान में शायद, जहाँ पर भी ग्रेवयार्ड वगैरह या किसी की डेड बॉडी को दबाया जाता है, शायद वहाँ पे वो बैम्बू के पीसेस लगाते होंगे. तो उन्होंने क्या किया, जो अब ये जो ओनर था डॉग का, मतलब वो बेसिकली बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उसने फाइनली क्या किया कि जैसे एक इंसान की डेड बॉडी को करते हैं, उसने भी एग्जैक्टली वैसे ही उसको लेकर गया. ठीक है, वहाँ पे उसको दबा दिया और मतलब प्रॉपरली उसको एक प्रॉपर फ्यूनरल दिया, जैसे एक रिस्पेक्टफुली देते हैं. और वहाँ पर वो बहुत देर तक बेचारा रोता रहा, बहुत देर तक रोता रहा. ठीक है, ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड. अच्छा, सो जैसे टोम्स के साथ में वहाँ पे करते हैं, वैसे प्रॉपर उसने बैम्बू ट्यूब सेटअप की और मतलब प्रॉपर वैसे एक रिस्पेक्टफुल फ्यूनरल दिया डॉग को. देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्नड several costly sticks of incense. Incense क्या होती है, अगरबत्ती. खूब सारी वहाँ पे अगरबत्तियाँ जलाई, पानी रखा, then you know food की ट्रे रखी. तो उसको एक बड़ा ही रिस्पेक्ट, मतलब बहुत, ही वॉज वेरी वेरी हॉट, मतलब सुन के ही बुरा लग रहा है. Can't even think of that. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. तो अब वो जो बूढ़ा इंसान था, वो बड़ी देर तक बेचारा, मौन का मतलब होता है जब आप दुखी होकर किसी चीज़ के बारे में रोते हो, दैट इज़ वॉट इज कॉल्ड इज मॉर्निंग. वो बड़ी देर तक उसके लिए मौन करता रहा, उस बेचारे को नामों से, अलग अलग नाम से बुलाता रहा, जैसे कि वो जिंदा हो वैसे करके उसको बुलाता रहा. बट काफ़ी देर तक अब क्या करेगा, अब तो वो चला गया. सो ये हुआ अभी तक द स्टोरी. बहुत ही दुखी मोड पे पहुंच चुकी है, मैं भी काफ़ी दुखी हो चुकी हूँ, आई एम श्योर आप लोग भी हो चुके होंगे. आगे देखते हैं क्या हुआ. ओके, दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माय ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस. अब उस रात को क्या हुआ कि वो जो कुत्ता है मूको जो है वो उसको ड्रीम में आया, मूको की स्पिरिट उसको ड्रीम में आई. और स्पिरिट क्या हो गया, मूको का भूत उसको सपने में आया, बूढ़े इंसान को. मूको ने बोला आप ऐसे करो कि मेरी जो ग्रेव है उसके ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काटो और उसे काटकर उस वहां उस पाइन ट्री से आप एक मोर्टर, मोर्टर इज अ वेसल, ठीक है, वो बनाओ फॉर योर राइस पेस्ट्री. जो आप राइस पेस्ट्री जिसमें आप, तो बेसिकली आपने देखा होगा ना, इसे कूटने के लिए यूज़ होता है, उसको बोला जाता है मोर्टर. और जो ऊपर से आप एक यूज़ करते हो ना कूटने के लिए, जो वो वेसल टाइप का होता है उसको मोर्टर बोलते हैं, और जिससे कूटते हैं उसको आप पेसल बोल सकते हो या फिर आप मिल बोल सकते हो. तो बोला आप ऐसे करो, इसका एक मोर्टर और मिल बनाओ, ठीक है, मिल आप अपने बीन सॉस के लिए बनाओ और मॉर्टर अपनी राइस पेस्ट्री के लिए बनाओ. तो ये चीज़ उसको डॉग ने बोली. सो अब क्या हुआ,
बिकॉज उसको डॉग ने चीज बोला था, तो बंदा गया, उसने उसी का उसी पाइन ट्री को काटा, उसमें से एक लंबा सा मोर्टर बनाया, एक मिल बनाया, ठीक है. एंड या सो ही मेड विद विद ग्रेट लेबर, पार्टली विद फायर पार्टली बाय द चिजल, ही स्क्रेप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बोल. ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस. पाउंडिंग मतलब पीसने के लिए. तो उसने क्या किया कि उसी से अपने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जो राइस पेस्ट्री को बनाने के लिए यूज होते हैं. वो बनाते होंगे राइस पेस्ट्री, तो राइस पेस्ट्री को बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उसी पाइन ट्री की लकड़ी से उसने वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए. अब क्या हुआ, व्हेन द न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब न्यू ईयर का टाइम पास में आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री. तो उसको मन था कि वो कुछ राइस पेस्ट्री बनाए. व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, तो जब राइस पूरा का पूरा बॉयल हो चुका था, ग्रैनी put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. अरे फिर कमाल हो गया भाई, मतलब सोना तो इनको ऐसे मिल रहा है जैसे हवा होता है. तो अब क्या हुआ कि जैसे वो राइस को पाउंड करने लगे राइस पेस्ट्री बनाने के लिए दोनों पति पत्नी, तो जो बंदा है वो भी पाउंड कर ही रहा है राइस को. राइस कर पाउंड करते 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 उसने सडनली देखा कि वो पूरा का पूरा पाउंड होने के बाद में वो गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट हो चुका है पूरा का पूरा हीप. अब क्या हुआ, व्हेन द ओल्ड मैन ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिल्ड इट विद बीन्स बिगन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन. तो यानी कि मिल क्या हो गया, वो पीसने के लिए जो यूज होता है, मैंने आपको बोला था जो जैसे आपने देखा होगा ब्लैक पेपर को पीसने के लिए ऐसा रहता है ना एक इंस्ट्रूमेंट, उसको मिल कहते हैं. तो अब जो उस वुमन ने, जो ओल्ड वुमन थी, जब वो उस मिल से बीन सॉस बनाने लगी तो वहां से भी गोल्ड जो है वो गिरने लगा, मतलब कमाल ही हो गया. अब राइस पेस्ट्री मोर्टर में से भी गोल्ड निकला और मिल में से भी गोल्ड निकला. अब क्या हुआ, मीन वाइल द एनवियस, एनवियस का क्या मतलब होता है, जेलस. द एनवियस नेबर पीप्ड in at the window when the boiled beans were being ground. तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने विंडो से पीप का मतलब होता है झांकना, उन्होंने विंडो से देखा कि ये चल क्या रहा है भाई. तो उन्होंने ओल्ड हैग मीन्स बूढ़ा इंसान जिसका मुंह पर एकदम झुरियां पड़ चुकी हूँ, that's an old hag. तो उन्होंने जब देखा ये होते हैं बोलते गुड इवनिंग, cried the old hag as he saw each dripping of sauce turning into yellow gold until a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. तो ये जो पूरा गोल्ड उनके किचन में बन चुका था उसको इन दोनों, मतलब जेलस मियाँ बीवी ने देख लिया, और जब उन्हें देख लिया अरे उनके तो आंखें चमकने लगी एकदम, ये क्या हो गया, कमाल है. अब उन्होंने क्या किया, ये जो ओल्ड कपल था ये गए, जो ओल्ड कपल हो गया ये फिर से रिच हो गया. अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टर एंड मैजिक मिल. अब उन्होंने क्या किया, वहाँ पर आए और उनके पास वो कूटने वाला वेसल और वो जो ग्राइंड करने वाला मिल है वो ले गए उनसे कि भाई हम भी गोल्ड बनाएंगे. दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड अदर विद बीन्स, देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड द वुमन टू ग्राइंड, बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न टू फाउल मास ऑफ वर्म्स. अब उनके साथ क्या हुआ, अब इन लालची बंदों के साथ क्या हुआ, जैसे इन्होंने राइस डाला उसमें बीन्स डाली तो वो जो है वो कीड़ों के मास में कन्वर्ट हो गया. हाउ बैड. स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायर वुड. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने मिल को पीसेस में जो है चॉप कर दिया. इन्होंने बोला कि यार, मतलब दे वर सो फ्रस्ट्रेटेड, उनको इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने इस मिल को पीसेस में चॉप कर दिया वुड का था और उसको अपने फायर वर्क में डाल दिया, जहाँ पे वो आग लगा के आग सेकते हैं उसमें डाल दिया. नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. तो अब क्या हुआ, अब दोबारा से मूको की स्पिरिट आई उस ओल्ड मैन को सपने में आई
और उसने उसको बताया कि देखो भाई किस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा जो मिल और जो मोटर था उसको पूरा का पूरा इन्होंने आग में जला के उसके ऐश बना दिए। तो उसने क्या बोला इस टाइम में, डॉग ने बोला, मूको ने बोला, टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन। तो मूको ने बोला कि आप क्या करो, अब मैं आपको फिर से एक चीज बताता हूँ, आप क्या करो कि वो जो ऐश है उसको लो वहां से, उसको लेने के बाद में विदर्ड इज सूखे हुए, तो उन्हें बोला आप सूखे हुए ट्रीज पर उनको डालो, उस ऐश को लेकर वो ट्रीज फिर से ब्लूम करने लगेंगे। ठीक है, अब वही चीज सेम, द ओल्ड मैन, अब ये बूढ़ा इंसान उठा, ठीक है, द ओल्ड मैन वोक अप, अवोक एंड वेंट वंस अगेन टू दिस विकेड नेबर्स हाउस वेर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द रूम स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉर्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज ऑफ सम बिट्स ऑफ मिल व्हाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस। तो अब क्या हुआ कि जब ये उस ये जो अच्छा वाला बूढ़ा इंसान था, ये उस लालची हस्बैंड वाइफ के घर में गया तो उसने देखा वो ऐसे बेचारे एकदम बुरी हालत में, इतने ठंडे हो रहे हैं और वो एक कोने में बैठकर बस वो सेक रहे हैं खुद को बार 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 बार, मतलब दे आर इन अ मिजरेबल कंडीशन और उनकी आग भी एकदम ख़त्म होने वाली है, थोड़े थोड़े पीसेस पड़े हुए हैं, सो दे वर इन मिजरेबल कंडीशन। सो दिस ओल्ड मैन वेंट देयर। तो अब नाउ दिस गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, उसने बड़े प्यार से उनको बोला मुझे एशेज दे दो। तो द कोएटस कपल टर्नड अप देयर नोज़ेस एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ इट वर अ एज इफ ही वर अ थीफ, दे लेट हिम फिल द बास्केट विद द एशेज। तो अब उन्हें क्या, वो कोएटस मैंने आपको बता दी ग्रीडी, तो ये जो ग्रीडी कपल था उन्होंने टर्नड अप देयर नोज़ेस एट हिम, मतलब उसको ऐसे गुस्से से उन्होंने, you know when you're very very angry at anybody you just turn up your nose at them, so काफ़ी गुस्से से उसको देखा और उससे लड़े भी, बट उसको फाइनली उनने बोल दिया हाँ ठीक है ले जाओ ashes। अब जब घर आया on coming home the old man took his wife into the garden, it began winter, their favorite cherry tree was bare, he sprinkled a pinch of ashes on it and sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air। तो अब क्या हुआ कि चेरीज का ट्री था, विंटर था, चेरीज तो ब्लूम करती नहीं है विंटर में, तो जैसे कि मूको की स्पिरिट ने उस ओल्ड मैन को बोला हुआ था कि आप विदर्ड सूखे हुए ट्री पर भी डालोगे तो वो ब्लूम करने लगेगा, तो जो है यू नो इस ओल्ड मैन ने डाला उसको और इतनी देर में वो जो चेरीज का ट्री था वो एकदम ब्लूम करने लगा, कमाल हो गया, ठीक है, और उससे हवा में एकदम खुशबू हो गई। द न्यूज ऑफ दिस फिल द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। अब जब इसकी न्यूज फैल गई पूरे के पूरे विलेज में तो हर कोई इस चमत्कार, क्योंकि विंटर्स में चेरी तो कभी ब्लॉसम करती नहीं है, तो हर कोई इस चमत्कार को देखने के लिए आ गया। द कोवेटस कपल ऑल्सो हर्ड दी स्टोरी, तो ये जो लालची कपल था उनने भी स्टोरी सुनी, तो उनने क्या किया, जो रिमेनिंग एशेज पड़े थे ना उन्होंने वो डाले, उन्होंने फटाफट वो इकट्ठे किए एंड केप देम टू मेक विद टू मेक द विदर्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो हम भी रख लेते हैं, शायद हमारे भी जो सूखे हुए ट्रीज हैं वो ब्लॉसम करने लगे। ओके, तो उनने भी फटाफट वो ऐश इकट्ठा कर लिया। तो अब ये जो ओल्ड मैन था इसने सुना कि जो उसका जो लॉर्ड है द डेमियो, ठीक है, डेमियो डायमो डायमो आई थिंक या डायमो इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो उसने ये सुना कि जो डायमो है ये आएगा शायद अभी सड़क पे थोड़ी देर के बाद, ये जो विलेज रोड है वहां पर आएगा, सो उसने वो उनसे मिलने के लिए चला गया, सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस। तो उन्होंने क्या, उसने सोचा कि चलो अब ये जो मिरेकल है ये मैं उनको भी, डायमो को भी दिखाऊंगा, जो मेरा लॉर्ड है उसको भी दिखाऊंगा, उनको भी दिखाऊंगा मैं, तो चलो मैं बास्केट में एशेस ले चलता हूँ। एज द ट्रेन अप्रोच शी क्लाइंड अप into an old withered cherry tree that stood by the wayside। तो जैसे ही ट्रेन वापस आई, ट्रेन सामने आई, तो वो फटाफट ना उस एक चेरी का पुराना सा ट्री था उसके ऊपर चढ़ गया। Now in the days of the daimyos it was a custom when their lord passed by
for all the loyal people to shut their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence. Impertinence hota hai gustakhi, galti, of looking down to their lordship. तो वहाँ पर एक tradition था कि जब भी उनका जो landlord आता था, वो जब वहाँ पर आता था, तो कोई भी गलती से, मतलब हर कोई अपने घर के अंदर windows को बंद करके बैठ जाता था, क्योंकि अपने landlord के सामने जाना, उसको ऐसे देखना बदतमीजी consider की जाती थी, और कई लोग तो अपने windows को एकदम पेस्ट चिपका देते थे ताकि वो गलती से भी ऐसी गलती ना, मतलब हवा चले, विंडो खुले और अपने लैंडलॉर्ड के सामने आ जाए, ऐसे गलती ना हो जाए, तो इसलिए वो पूरे तरीके से अपने विंडोज को चिपका देते थे। तो अब उस टाइम में सोचो कि ये जो गुड ओल्ड मैन है, ये एक ट्री पर चढ़ा हुआ है, सो ऑफ कोर्स ही विल बी पनिश्ड। ऑल द पीपल अलोंग विद द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन। प्रोस्ट्रेट मतलब नीचे एकदम झुके हुए, दैट इज व्हाट इज मीन बाय प्रोस्ट्रेट। तो सभी के सभी लोग जो हैं वो मतलब नीचे एकदम झुके हुए रहते थे, गलती भी नहीं करते थे कि वो गलती से कहीं जो है अपने किंग को देख ना ले। सो ये देखो, ये हुआ है, ये जो पूरा का ये देख रहे हो, विंटर्स का टाइम है, स्नो पड़ी हुई है, पर ये जो चेरी है ये ब्लॉसम कर रही है, बिकॉज इसने ये ऐश, इस ओल्ड मैन ने ऐश इस पर फेंकी है, चेरी स्टार्टेड टू ब्लॉसम। तो ये देखो, ये ऐश यहाँ पर लेके आया है, ठीक है, और ये चेरी एकदम ब्लॉसम करने लगी है। ओके, अब क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं उनका, उनके लैंडलॉर्ड आए हैं। ओके, द ट्रेन ड्रू नियर, मतलब ट्रेन पास आ गई जिसमें उनके लैंडलॉर्ड थे। One tall, competent man marched ahead, crying out to the people, "By the way, get down on your knees, get down on your knees." तो हर कोई बोल रहा है कि जल्दी से अपने knees, मतलब झुक जाओ अपने, get down on your knees, ये गलती मत करो, ठीक है? और हर कोई नीचे झुक गया। Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. तो अब suddenly किसी की नजर पड़ी कि ये जो बूढ़ा इंसान है tree के ऊपर चढ़ के क्या कर रहा है? He was about to call out to him in an angry tone. But seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. तो उन्होंने क्या, उन्होंने सोचा कि चलो छोड़ो यार, बुरा इंसान है, उन्हें ऐसा नाटक ने ऐसा दिखाया कि हमने तो तुम्हें देखा ही नहीं। So when the Daimos palanquin, palanquin is पालकी, होता है ना जिसके अंदर बिठा के राजा महाराजा रानियां जाती, that is palanquin. When the Daimos palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment, it burst into bloom, blossom. So, अब क्या हुआ? जैसे ही उसके लॉर्ड की पैलेंक्विन पालकी सामने आई, उसने क्या किया कि फटाफट से एक पिंच ऑफ ऐश डाली चेरी के ट्री पे और वो एकदम ब्लॉसम हो गई। The delighted Daimo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. वो भी बाहर निकला, उसने भी देखा कि अरे कमाल है ये तो, उसने भी सोचा कि मैं भी wonder को देखता हूँ। Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cakes, fans and other rewards to be given to him. He even invited him to the castle. So the old man went gleefully. Gleefully is happy. Castle is उनका palace. To share the joy with his dear old wife. अब क्या हुआ, तो जब ये देखा उसके लॉर्ड ने, बहुत खुश हो गया, उसने उसको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, उसको अपने कासिल में भी बुलाया, तो ये अब मतलब अगेन ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी। तो ये वो गुड न्यूज़ जो है ओल्ड मैन अपनी वाइफ के साथ शेयर करने चला गया। नाउ बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस एंड वेंट ऑन टू द हाईवे। अब क्या हुआ, ये जो ग्रीडी नेबर था, जब इसने सुना अच्छा कमाल है चलो, वो भी कुछ एशेस लेकर हाईवे पे चले गए। उन्होंने भी वेट किया जब तक उनके लॉर्ड की ट्रेन आई, तो उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, उन्होंने भी एक, वो भी एक चेरी ट्री पर चढ़ गए। एंड व्हेन द डायमो इट हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेस ओवर द ट्री, व्हिच नॉट ओनली चेंज्ड, व्हिच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इनटू द नोजेस एंड द आईज ऑफ द डायमो एंड हिज वाइफ, सच स्नीजिंग एंड चोकिंग। अब इनके साथ में क्या हुआ, वही चीज जो उस गुड ओल्ड मैन के टाइम में ब्लॉसम करने लगा था ट्री, इसके टाइम में इसने जैसे ऐश फेंका, उस ऐश से जो डायमो और उनकी वाइफ थी उनको
उनको एकदम मतलब अब ऐश आएगी तो आप चोक तो हो गई, इरिटेशन तो हो गई नाक और थ्रोट में, तो उनका जो गला था वो चोक करने लगा एंड उनको गुस्सा आ गया. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई वॉट सच इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड द डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन. तो यानी पॉम्प इज पूरा का पूरा मतलब मजा खराब हो गया प्रोसेशन का. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई get down on your knees, seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. तो उनमें से एक बंदा था ना जो बार बार जो मतलब ऑर्डर कर रहा था kneel down, तो उसने क्या किया, उसने फटाफट से उसको उसके कॉलर से पकड़ा, इस बूढ़े लालची बूढ़े इंसान को उसके कॉलर से पकड़ा और उसको जो है रोड पर ड्रैग डाउन किया और उसके बास्केट को डिचेस नाली उसको डिच में फेंक दिया और उसको खूब सारा मारा और उसको मतलब मरने के लिए रास्ते में छोड़ दिया. दस द विकेड मैन डाइड इन द मड बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ड इन पीस एंड प्लेंटी एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज. यानी कि वो जो ये लालची इंसान था वो मर गया और जो ये जो अच्छा वाला नाइस काइंड हार्ट बंदा था ये खुशी खुशी जिया खूब साल तक अपनी बीवी के साथ. तो बुढ़ापा उसने खूब इंजॉय किया. Yeah, that's about it. This is the moral of the story. Acche raho, mast raho, khush raho. You'll be happy. You'll be always... Kabhi zindagi mein koi kami nahi padegi. Okay, that is the end of the story. I hope, bachcho, kaafi bola hai, maine mere gale mein dard ho rahi hai. Ek minute ruk jao. Oh my God, my throat is choked. ओके चलो बच्चों, जाने से पहले मैं आपको अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स बता देती हूँ. घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका मिलता है, सभी कोर्सेज को एक्सेस मिलता है, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, रेगुलर आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन होगी, पूरा सिलेबस का कवरेज होगा, मेंटरशिप एंड गाइडेंस है, स्टडी मटेरियल है, प्रैक्टिस टेस्ट है, लाइव टेस्ट हैं, बैच कोर्सेज हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं. जल्दी जाइए खरीद लीजिए यूजिंग माई कोड SOS10. थोड़ी सी मैं आपको प्राइसिंग समझा देती हूँ बच्चों. 24 मंथ्स 25,000, 18 मंथ्स 20,000, 15 मंथ्स 18,000 और इस प्राइस पर आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट यूजिंग माय कोड SOS10 और आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं. देन बच्चों, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फीचर्स हैं. यू हैव ए पर्सनल मेंटोर, यू हैव ए लाइव डाउट सॉल्यूशन सेशन, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड सभी बेनिफिट्स हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन के. और प्राइसिंग क्या है, 24 मंथ्स 48,000, 18 मंथ्स 35,000, 15 मंथ्स 32,000, इस तरीके से अलग अलग प्राइस है. और इस प्राइस पर आपको मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10 और यहाँ पर भी आप पर मंथ बेसिस पर भी पे कर सकते हैं. एंड बिफोर आई लीव यू, डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड SPSO10, ठीक है, टू अनलॉक फ्री क्विजेज एंड फ्री टेस्ट सीरीज ओनली ऑन अकेडमी ऐप. थैंक यू सो मच बच्चो, हैव अ गुड डे, लोड्स ऑफ लव एंड डू रिमेंबर माई कोड SOS10. जब भी कोई सब्सक्रिप्शन खरीदनी हो मेरा कोड यूज करो एंड बाय अ सब्सक्रिप्शन. बाय बच्चो, लोड्स ऑफ लव, सी यू टुमारो.